हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है ग्लूमी। सो ग्लूमी जो है वो दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि ग्लूमी कैन बी अ रूम जिसमें लाइट कम है। सो उसके लिए आप कहेंगे द रूम लुक्ड ग्लूमी बिकॉज ऑफ द लाइट्स, या फिर किसी की पर्सनैलिटी या किसी का बिहेवियर पर भी ग्लूमी होता है। जब कोई सैड होता है, नॉट सो हैप्पी होता है, डिप्रेस्ड होता है, तभी भी आप कहेंगे कि He looked gloomy या she looked gloomy because of he being or she being sad or nervous or depressed. For example, the gloomy weather made everybody feel sad. Not everyone, सबको वैसा weather पसंद नहीं आता. So that kind of a weather is a gloomy weather, जहाँ भी bright sun नहीं आया है, it's not so fresh, it's not so active outside. That is called as being gloomy. ग्लूमी के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स होते हैं इल लिट या पुअरली लिट या डिप्रेसिंग या सैड या नॉट सो एक्टिव, नॉट सो ब्राइट। ग्लूमी के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं चीयरफुल, ब्राइट, सनी। टाइम फॉर अ क्विक क्विज, टेल मी विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी ग्लूमी। प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद AKS। आई होप आज आपने कुछ तो नया सीखा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर मोर सच वर्ड ऑफ द डे वीडियोज प्लीज फॉलो इंग्लिश विद AKS। आपको मिलूंगी मैं एक और वर्ड ऑफ द डे के वीडियो में।